हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट डेटा पे या इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, क्योंकि मोस्टली लोग अब CUET के एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो PG में कैसे एडमिशन लेना है इसके बारे में सोचते हैं, या फिर जो रनिंग में है, फिफ्थ सेमेस्टर पे हैं या सिक्स सेमेस्टर पे हैं, इवन जो थर्ड सेमेस्टर पे हैं वो भी सोच रहे हैं कि हमें PG कहाँ से करना है। और CUET का एग्ज़ाम इतना इम्पॉर्टेंट क्यों हो रहा है, आइए हम देखते हैं। यहाँ जो मेरे पास डेटा है वो 2022 के हिसाब से है। अभी 23 के हिसाब से अगर पोस्ट ग्रेजुएशन का डेटा अगर आ जाएगा तो हम उस पर डिटेल से बात कर लेंगे। फिलहाल हम 2022 को समझते हुए हम देखते हैं कि CUET की डिमांड फ्यूचर पे कितनी ज़्यादा बढ़ने वाली है और आपको क्यों प्रिपरेशन पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आप साल दर साल अगर ध्यान से देखोगे तो यहां पास देखो 2022 में उस हिसाब से डेटा में 8 नए यूनिवर्सिटी CUET के थ्रू अपना एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। तो अगर आप कंटिन्यूअसली देखोगे, यहीं आप अगर 2019 और 18 में चले जाओ तो CUET को लोग उतना नहीं जानते थे, लेकिन अगर आप 2023 में पूछने वाले कि CUET क्या है तो मोस्ट प्रोबेबल स्टूडेंट को पता है कि CUET क्या होता है। इसीलिए मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आप CUET एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको उसका इम्पोर्टेंस जानना चाहिए और उससे आप क्या क्या एडमिशन और कहां कहां एडमिशन ले सकते हैं ये जरूरी है। क्योंकि अगर आप एग्जाम फॉर्म भरते हैं तो एग्जाम फॉर्म भरते समय आपको पेपर कोड चूज करना होता है। आप एक पेपर से एग्जाम देना चाह रहे हैं, दो पेपर से एग्जाम देना चाह रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मान के चलिए बॉटनी से MSc करना चाह रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री से करना चाह रहे हैं, या फिर जूलॉजी से करना चाह रहे हैं, या माइक्रोबायोलॉजी से करना चाह रहे हैं। तो वो सारे यूनिवर्सिटी में सारे सब्जेक्ट तो होते नहीं है। तो CUET में इतने सारे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो वो सारे के सारे यूनिवर्सिटी में जिस जिस में कोर्स अवेलेबल है वहां वहां आप एडमिशन ले सकते हैं। और एडमिशन लेने के समय में या एग्जाम देने के समय में या एग्जाम फॉर्म भरने के समय में आपको पता होना चाहिए कि आपके सब्जेक्ट का स्पेसिफिक पेपर कोड क्या है, अदरवाइज आपसे गलतियां हो सकती हैं और आप कहीं दूसरे पेपर कोड से अप्लाई कर दिया और लास्ट में एडिट का मौका भी ना मिला तो बड़ी गड़बड़ी हो सकती है। खैर, आइए हम ये बात करते हैं कि पेपर कोड खास क्या है। और अगर आप यहां पर देख रहे हैं तो 2022 में ही 8 यूनिवर्सिटी ऐड हो सकते हैं, तो 2023 का अगर पूरा डिटेल आएगा और उसमें कुछ नए यूनिवर्सिटी उम्मीद करते हैं कि ऐड होंगे ही होंगे, तो फिर आपको देखिए कितनी डिमांड बढ़ने वाली है और कॉम्पिटिशन कितना हाई होने वाला है। और बात रही पेपर कोड की, तो पेपर कोड जैसे आप देखें तो आपका सिलेबस कैसा होगा इस पे भी ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो मैं आप यहां थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको दिख जाए। तो अगर आप जैसे यहां पास देखेंगे तो ये वाला जहां पर मेरा कर्सर है वहां पास पेपर का कोड लिखा है और उसके बाजू में प्रोग्राम या सब्जेक्ट लिखा है और उसके बाजू में यहां पर डिग्री लिख रखा है। तो आपको ये ध्यान देना है कि कौन सा पेपर कोड से आप एग्जाम में अप्लाई कर रहे हैं, अदरवाइज थोड़ी प्रॉब्लम आपका सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए, जैसे अगर मुझे बायोलॉजी एग्जाम के थ्रू भरना है क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन मान के चलो बॉटनी से हो रखी है या जूलॉजी से हो रखी है या फिर माइक्रोबायोलॉजी से या फिर बायोटेक से हो रखी है और मैं भरना चाह रहा हूं सेंट्रल यूनिवर्सिटी है CUET पोस्ट ग्रेजुएशन का फॉर्म, तो मुझे क्या क्या सब्जेक्ट कोड पता होना चाहिए ये लास्ट ईयर के हिसाब से है। जब आ जाएगा तो हम उस पर भी बात कर लेंगे, फिलहाल ये जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन कि अगर हम जैसे मान के चलो मुझे बात करनी है बायोलॉजी के ब्रांचेस के बारे में, तो अगर आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि MSc के अलग अलग कोर्स हैं, तो जैसे आप मेरा कर्सर अभी जहां है वहां देखिए वो MSc बायोटेक का है और इसके लिए आपको जैसे पैटर्न क्या है, पैटर्न में 25 जनरल एप्टीट्यूड है, 75 सब्जेक्ट से स्पेसिफिक रिलेटेड टॉपिक है। फिर अगला, ये किस यूनिवर्सिटी में ये कोर्स ऑफर किया जा रहा है वो भी यहाँ बताया गया है। तो जैसे संस्कृति यूनिवर्सिटी, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है ये मेरे पीछे दिख रहा है आपको ऐसा कुछ।
ऐसी अगर आपको बायोमेडिकल साइंस से करना है या फिर माइक्रोबायोलॉजी से करना है या फिर मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी से करना है, तो इन सब के कोर्स कोड एक ही है, वो कोर्स कोड है PGQP22। ठीक है, इसी तरीके से जब अभी एग्जाम फॉर्म आएगा तो इसमें भी कोड होंगे जो आपको एग्जाम फॉर्म भरते समय ध्यान रखना है। और मोस्ट प्रोबेबली उम्मीद है कि एग्जाम फॉर्म मई महीने तक या अप्रैल महीने तक आ जाएगा, अप्रैल और मई के आसपास, ऐसी उम्मीद है। कंफर्मेशन तो फिलहाल मुझे भी नहीं पता है। ठीक है, चलिए। और अगर जैसे मुझे मान के चलिए बॉटनी से एग्जाम भरना है तो क्या क्या करना होगा, तो मुझे बॉटनी से एग्जाम भरना है तो मैं यहाँ बॉटनी सर्च कर लेता हूं, तो जैसे आपको देखो क्लियरली दिख जाएगा बॉटनी कहाँ कहाँ है। ठीक है, तो एक जैसे यहाँ एग्जाम देखो फॉरेंसिक साइंस में भी यहाँ बॉटनी एलिजिबिलिटी दिखा रहा है, सबसे कॉर्नर पर देखो जहां पर ये कर्सर दिख रहा है आपको वहां। तो अगर आप बॉटनी से एग्जाम ग्रेजुएशन कर चुके हैं, वो ऑनर्स हो, तो आप फॉरेंसिक साइंस के लिए भी एलिजिबल हैं, और ये एक जयपुर की यूनिवर्सिटी को एलिजिबिलिटी देता है। अगर उसी तरीके से आप यहाँ पास देखेंगे कि अगला और बॉटनी क्या कहाँ कहाँ मिल सकता है हमें, तो जैसे बायोमेडिकल साइंस में भी आप बॉटनी के थ्रू जा सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर मैं बात करूं उसके आगे की पॉइंट की, तो माइक्रोबायोलॉजी हो गया, या फिर माइक्रोबायोलॉजी के बाद अगर जैसे माइक्रोबायोलॉजी का भी कोड 22 ही है PGQP के साथ, और उसके बाद मैं बात करूं तो जैसे MSc में भी यहाँ PGQP40 से भी है, और उसके बाद अगर मैं इसके आगे बात करूं तो जैसे बायोकेमिस्ट्री है यहाँ पास, और बायोकेमिस्ट्री में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो PGQP सिंपली अगर आप देखें तो 74 बायोकेमिस्ट्री, उसके लिए एलिजिबिलिटी अलग है। और अगर आप आना चाहते हैं तो स्पेसिफिकली बॉटनी और जूलॉजी आपको यहाँ पास दिख रहा है, इनका कोड 75-76 है, आर्कियोलॉजी का वैसे 78 है। तो ये सारे कोड को आपको ध्यान में रखना होगा एग्जाम फॉर्म भरते समय, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जैसे जैसे जो भी इंफॉर्मेशन आएगी CUET पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, हम जरूर आपको बताएंगे उसके बारे में। सो फिलहाल के लिए इतना ही बात। थैंक यू सो मच एवरीवन।